वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं, नीचे सममित रेखाएं जो है वो दी गई हैं, अनिच्छेद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम का क्वेश्चन है। तो क्या ही इन्होंने सममित रेखाएं जो है हमको दे दी हैं। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे जो हमारी सममित रेखा की तरफ दूसरा जो एंगल, मतलब दूसरी जो आकृति हमारी है वो कह लो सममित रेखा के पार जो हमारी दूसरी आकृति है, उसमें हमें सेम टू सेम आकृतियाँ बनानी है। जैसे कि पहली आकृतियाँ जो है इसमें हमको ये आकृति दे दी गई है, सममित रेखा दे दी गई। भाई इधर की आकृति सेम होनी चाहिए, मिरर इमेज इधर की बननी चाहिए। तो क्या करेंगे, इधर हमारा ये छेद नहीं बना हुआ था तो हमने यहाँ पे एक छेद बना दिया, ये हमारी आकृति जो है पूरी हो गई। ऐसे ही हमारी ये जो आकृति हमको दी गई थी, इधर हमारा छेद नहीं है तो इधर हमारा कॉर्नर में छेद था, तो यहाँ पर हमारा कॉर्नर में ही छेद जो है वो बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारी सममित रेखा दी गई है, इधर कोई छेद नहीं है तो हमें छेद जो बनाया जाएगा इसी के जस्ट सामने बनेगा मिरर इमेज में, ठीक है, सममित रेखा में। ऐसे ही इधर कोई छेद नहीं है तो हमारा छेद जो है इसी के साथ में इतनी दूरी पे इसके सामने बनेगा जाके, ठीक है। ऐसे इसमें करते हैं, इसका छेद जो है यहाँ पे बनेगा जाके इसके सामने, और इसका छेद जो है यहाँ पे बनेगा जाके इसके सामने। बस इतना बड़ा सा हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देंगे इसी के साथ ही। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं अपनी तैयारियाँ दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा कहाँ है, तो चलिए पहले हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके डायग्राम जो है उतार लिए हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित रेखा में प्रत्येक आकृति का परिवर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। फिर इन्होंने कहा है आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी आकृति का नाम याद है, ये भी हमको बताना है, मतलब पूरी आकृति भी हमको बतानी है, ठीक है। चाहे तो आपको आकृति पूरी करनी है तो आप यहाँ पर मिरर भी रख सकते हो, शीशा भी रख सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप थोड़ा इंटेलिजेंट तो बना ही लोगे, ठीक है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो सारे इंटेलिजेंट होंगे, मुझे पता है, ठीक है। और आपको खुशखबरी की बात भाई ये है कि ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो अभी बताएंगे ऐप के बारे में। तो यहाँ पे मिरर इमेज सेम ऐसी बनेगी इधर, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सेम ऐसी बनेगी ना, तो सेम ऐसा बना दो। ये हो गई हमारी क्या, ये जो आकृति है हमारी किसकी है, वर्ग की आकृति बन गई है। जिस वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसकी हम सममित रेखा जो बनाएंगे इस तरीके से बन जाएगी, सेम टू सेम। जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी हम इधर रखेंगे और जितनी दूरी इधर है जितनी उतनी दूरी हम इधर रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन गया है, अगर सारी भुजाएं हमारी बराबर होंगी मापने पे तो ये हमारा बनेगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, अगर सारी बराबर हुई तो। ये हमारा एक आकृति दी गई है, ठीक है। अब ये आकृति हमारी कैसी आकृति बनेगी, इसके बराबर हमारी यहाँ पे सेम रेखा खींचनी है, इसके बराबर सेम रेखा यहाँ पे खींचनी है। तो ये हमारा क्या बन गया, सम चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज बन गया, सम चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। सममित रेखा की इधर हमें मिरर इमेज बना देनी है सिंपल सी, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, इधर हमारा आधा वृत्त बना हुआ था तो हमने सेम इसके बराबर ही हमने इधर एक वृत्त जो है वो बना लिया है, ठीक है। अर्धवृत्त बना लिया, आधा इधर था आधा इधर था, तो मिलकर हमारा क्या बन गया, पूरा वृत्त बन गया। ऐसे ही ये जो हमारा ई वाला है इसमें क्या है, सेम ऐसी इधर भी खींच लो, ठीक है, सेम ऐसी तिरछी इधर भी खींच लो, ठीक है, और सेम ऐसी तिरछी इधर भी खींच लो। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं पांच भुजाओं वाला एक आकृति बन गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारी एक आकृति बनी है, यहाँ पे छोटी सी है तो छोटी इधर भी खींच लो, फिर यहाँ पे तिरछी है बड़ी सी, यहाँ पे भी तिरछी बड़ी सी खींच लो, फिर हमारी एक सीधी है तो सीधी खींच लो, फिर हमारी एक तिरछी है तिरछी खींच लो, ठीक है, फिर हमारी सीधी है छोटी सी तो सीधी खींच ली। अब हम यहाँ पे भुजाएँ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भुजाएँ हैं, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया है, अष्ट भुज बन गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो इसमें कोई आपको घबराने वाली और डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जो है दूसरा और तीसरा जो है वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया है,
ठीक है, कंप्लीट जो हो गया है क्वेश्चन, और आपको आप बता देते हैं अपने ऐप के बारे में। हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है, इसी चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। जॉर्जस स्टडी आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी सारी बुक्स मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की, फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के लिए आपकी सारी जो बुक्स है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बुक्स में जो सोल्यूशन होता है, आपके आंसर्स जो होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको बता दें, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सीरीज होगी वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप वहाँ से क्लास देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी क्लास देख सकते हैं। और तो और आपको बता दें, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे इस चैनल पे जाके साइंस पढ़ सकते हैं। और आपको मैथ्स के छोटे छोटे जो डाउट आपको होते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कैसे करने हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके डाउट क्लियर करने शाम को 8 बजे लाइव क्लास में, बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। अपने डाउट्स यहाँ क्लियर कीजिए, और हमारे ब्लॉग चैनल है, इस पर जाके आप हमारी मस्तियाँ ओजस के साथ खूब सारी मस्तियाँ जो है वो देख सकते हैं, और करके फंक्शन फेस्टिवल वगैरह भी देख सकते हैं, शादियाँ वगैरह जहाँ जाते हैं वहाँ की भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीखना है तो यहाँ से बोलना सीख सकते हो इस चैनल से। और टेलीग्राम पर ज्वाइन होना मत भूलिएगा, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस जो है आपको कराई जाती है, हर सब्जेक्ट की फैक्ट वगैरह आपको दिए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना।